बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत होंगे, अल्लाह ताला सबको अपने ज़मान में रखें और दुनिया व आखिरत की तमाम खुशियाँ नसीब फरमाए। आज का व्लॉग करते हैं शुरू। काफ़ी दिन हो गए हैं, मेरी छुट्टी ख़त्म हुई हुई है, मैंने पहले भी बताया था कि जाना तो है। तो आज जो मेरा आता है, आज का मेरा इरादा है वापस जाने का। तो जाने से पहले कुछ मेरे काम काफ़ी पड़े हुए हैं जो मैंने करने हैं, उनमें से एक दो तो आज मैं करूँगा, बाकी मैं फिर कभी चक्कर लगा फिर करूँगा। जो आज करने हैं वो ज़रूरी हैं, क्यों गर्मी काफ़ी है तो लाइट भी बहुत ज़्यादा जाती है। कल भी तकरीबन 9-10 बजे गई है सुबह के टाइम और शाम 6 बजे आई है, काफ़ी तंगी हुई है। तो जनरेटर है उसका कुछ सेटिंग वगैरह करना है हमने, तो वो करेंगे फिर उसके बाद देखेंगे कुछ। और पहले तो जेन में था लेकिन अभी निकला हुआ है वक्ती तौर पर, क्यों अभी सोया हुआ उठाऊँ तो देखते हैं। पहले जनरेटर की सेटिंग कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो अगला काम होगा वो करेंगे, फिर अपनी तैयारी भी करनी है क्योंकि शाम तक मैंने निकलना भी है इधर से। ये हमारा जनरेटर देखें क्या हालत हो रही है, इसकी सफाई भी करेंगे और इसका ऑयल वगैरह चेंज करेंगे, तो फिर इसकी सेटिंग करेंगे गैस पर। तो गैस पर ये बहुत मुश्किल चलता है, इसलिए इसकी सेटिंग करना भी काफ़ी टाइम लगेगा। पहले इसकी सफाई वगैरह कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसको गैस पे सेटिंग भी करेंगे। जनरेटर का काम हो चुका है, तो अभी सिर्फ लीवल का काम रहता है कि वो बिजली का जो लीवल है वो चेंज होने वाला है। अभी मैंने इस पर लोड नहीं डाला है, सिर्फ स्टार्टिंग की है क्योंकि पहले स्टार्ट भी नहीं हो रहा था। तो अभी कुछ गैस की सेटिंग करने के बाद इसको स्टार्ट किया है, तो अब लीवल जो है वो बिजली वाले का काम है। वो मैंने कॉल की है, वो उसने घंटे का टाइम दिया है, इतनी देर में हम ये बाल वगैरह कटवा लेते हैं, कुछ तबीयत फ्रेश कर लेते हैं क्योंकि बालों की वजह से काफ़ी उलझन सी हो रही है, काफ़ी बड़े हो रहे हैं और काफ़ी टाइम हो गया बाल कटवाए को मुझे। तो अभी बाल कटवाते हैं और फिर देखते हैं कि आगे क्या करना है। क्या कर रहे हैं बिल्ला? बिल्ले ए बिल्ले ए बात तो कर ले, मेरे साथ बात कर इधर। ये मुझे दे दे, हमारी एंट्री हो चुकी थी रात 9 बजे, उकाड़ा में पहुंचे हैं। 4 बजे बैठा था गाड़ी पे और रात 9 बजे पहुंचा हूँ, काफ़ी टाइम लगा है मेरा, सबसे गंदा टाइम मिला है कल मुझे। क्यों, जो मुझे बाईपास पे एक आदमी होता है जो बैठाता है वो नहीं था, जिसकी वजह से कल मुझे गाड़ी अच्छी नहीं मिली। पहले वो बिठाते थे तो गाड़ी कुछ अच्छी मिल जाती थी, तो कल वो नहीं थे। मैंने बाद में उनसे कॉल पे रابطہ किया तो वो छोड़ गए थे अड्डा। तो रात भी काफ़ी थकावट हो रही थी, जिसकी वजह से कुछ भी बात करने का मूड नहीं था। बस आते ही मुँह हाथ धोया, खाना खाया, उसके बाद आराम किया। तो सुबह भी कुछ आराम में थे,
कुछ घर में ही थे, कुछ अपना थोड़ा सा, क्यों 2-3 माह के बाद इधर एंट्री हुई है, तो कुछ अपना भी इधर काम वगैरह था, जो सेटिंग वगैरह थी, अपने कपड़े वगैरह सेट करके रखने थे वो रखे हैं। तो बस अभी जुमे का टाइम हो रहा है, जुमे भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह 1 बजे, 1 बजे का टाइम है। हाँ जी बिल्ले आ गया, बिल्ला ये देखो आ जाओ, ऐनक वाला जीन, ऐनक वाला जीन है। है क्या है? तो जुमे के बाद ही खाना भी होगा हमारा, क्यों सुबह से नाश्ता किया हुआ है, तो जुमे के बाद ही खाना खाएंगे। तो आगे देखेंगे क्या सूरत हाल होगी, जो दिन की रूटीन होगी वो भी शेयर करते जाएंगे। तो बस आज की वीडियो को हम इधर ही ख़त्म करते हैं, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि ये व्लॉग कैसा लगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो करिएगा, और अपने भाई को अपनी खुसूसी दुआओं में याद रखिएगा। और अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त है और बहुत सारा प्यार, अल्लाह हाफिज़।